बच्चों अभी हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का हम आज पढ़ेंगे तीन वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए। मतलब यहाँ पे मैं तीन को अलग अलग अक्षर लिखी हूँ, इस तीन अक्षर को जोड़ के हम यहाँ पे शब्द बनाएंगे एक एक करके। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखी हूँ देखो, भ लिखी हूँ। भ प्लस र प्लस त इक्वल टू है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखी हूँ, यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक्स है, मैं स्लीपिंग लाइन दी हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भ प्लस र प्लस त। यहाँ पे क्या होगा, पहले हम क्या लिखेंगे, ये वाला पहला अक्षर भर है, भ है, तो यहाँ पे हम पहले ये भ को लिखेंगे भ। प्लस है फिर र है, भ के भ प्लस र है, फिर हम ये वाला र यहाँ पे लिखेंगे, भ के पास र लिखेंगे, र हो गया। फिर यहाँ पे त तो है, ये वाला तो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो कौन सा शब्द बना देखो, भ प्लस र प्लस त इक्वल टू भरत हुआ। भ प्लस र प्लस त इक्वल टू भरत हुआ। यहाँ पे जो बीच बीच में दो प्लस है, ये वाला प्लस नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम भ र और त को यहाँ पे लिख देंगे तो भरत हो गया। अभी नीचे का देखो, अ है, अ प्लस ग प्लस र है। तो पहले क्या है, पहले अ है, तो पहले हम यहाँ पे अ को लिखेंगे अ, अ हो गया। फिर प्लस है, ग है, यहाँ पे बीच में प्लस है, प्लस तो नहीं आएगा, तो हम ये ग लिखेंगे, अ के पास ग लिखेंगे, ग हो गया, अ ग हो गया। प्लस र है, फिर र को हम ग के पास लिखेंगे। शब्द बना अगर अ प्लस ग प्लस र इक्वल टू अगर हुआ। नीचे का देखो, ल है, प्लस ह प्लस र, ल प्लस ह प्लस र इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक से कुछ नहीं है, मैं स्लीपिंग लाइन दी हूँ, पहले हाँ ये वाला ल लिखेंगे यहाँ पे। तो बच्चा ल हो गया, ल के पास क्या है, प्लस है, ह है, तो हम फिर ये वाला ह को ल के पास लिखेंगे यहाँ पे, ह हो गया। फिर प्लस है, र है, ये वाला र को लिखेंगे ह के पास, तो ये भी एक शब्द बन गया, ल प्लस ह प्लस र इक्वल टू लहर हुआ। ल प्लस ह प्लस र इक्वल टू लहर। नीचे का भी, न प्लस ग प्लस र है, पहले हम न को लिखेंगे यहाँ पे, न प्लस ग है, फिर हम न के पास ग लिखेंगे, ग प्लस र है, ग के पास हम र लिखेंगे, न प्लस ग प्लस र इक्वल टू नगर हुआ। न प्लस ग प्लस र इक्वल टू नगर हुआ। नीचे का, क प्लस ह प्लस र है, पहले हम ये वाला क लिखेंगे यहाँ पे, क हो गया। क के बाद क्या है, प्लस है, ह है, तो हम ये वाला ह लिखेंगे क के पास, हो गया। हो के बाद प्लस है, र है, तो ये वाला र हम यहाँ पे लिखेंगे, ह के पास र लिखेंगे, क प्लस ह प्लस र इक्वल टू कहर हुआ, क प्लस ह प्लस र इक्वल टू कहर। नीचे, प प्लस ल प्लस क है, हम पहले को लिखेंगे यहाँ पे, प्लस ल है, ये वाला ल लिखेंगे, प के पास ल लिखेंगे, फिर प्लस क है, तो ल के पास हम क लिखेंगे, प प्लस ल प्लस क इक्वल टू पलक हुआ।
तो बच्चों नीचे का देखो, ब प्लस र प्लस फ इक्वल कुछ नहीं है। पहले यहाँ पे बो लिखोगे, बो के पास र लिखना, र के पास फ लिखना, तो हो जाएगा ब प्लस र प्लस फ इक्वल टू बर्फ। नीचे द प्लस म प्लस क इक्वल कुछ नहीं लिखी हूँ, आपको खुद लिखना है। यहाँ पे पहले द लिखना, द के पास म लिखना, म के पास क लिखना, द प्लस म प्लस क दमक। म प्लस ह प्लस ल इक्वल टू, यहाँ पे भी ब्लैंक से, आप पहले म लिखना, म के पास ह लिखना, ह के पास ल लिखना, म प्लस ह प्लस ल इक्वल टू महल होगा। ब प्लस ज प्लस न इक्वल टू, पहले यहाँ पे ब लिखना, ब के पास ज लिखना, ज के पास न लिखना, ब प्लस ज प्लस न इक्वल टू वजन। फिर नीचे स प्लस र प्लस म है, पहले आपको यहाँ पे स लिखना होगा, स के बाद र लिखना, र के बाद ये वाला म लिखना, तो स प्लस र प्लस म इक्वल टू शरम। तो मैं जैसे ऊपर की हूँ, आपको भी वैसे ये नीचे का 5 ठो ब्लैंक्स छोड़ी हूँ, ये आप खुद आपके हिंदी कॉपी में लिखना होगा।